हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 20 है। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं एक्स इक्वल टू पाई पे। अब हमें चेक करना है कॉन्टीन्यूअस इसका। हम क्या करेंगे, हमें किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन की इमेज निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आएगा देन फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दिया हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू पाई पे हमें चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, देन यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ हो गया पाई माइनस एच, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये क्या है, एफ एक्स का फॉर्म है और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या लिखा गया, पाई माइनस एच। इसका मतलब हम एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस एच को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एच, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके माइनस साइन एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, पाई माइनस एच प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू को हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि h टेंस टू जीरो तो जीरो रखने पे हो जाएगा पाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस जीरो प्लस 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 की वैल्यू होती है, जीरो होती है, प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड देन इसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस एफ एक्स हो गया। फिर से यहाँ पे हम लिमिट एक्स को क्या करेंगे, एक्स को हम एच में चेंज करेंगे, एच टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस एच, ये हो गया पाई प्लस एच। अब यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम पाई प्लस एच रखेंगे। तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन एक्स के प्लेस पे पाई प्लस एच हो गया प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम एच की वैल्यू को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ये हो जाएगा पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर, जहाँ एच है वहाँ पर हम जीरो रख देंगे एच टेंस टू जीरो लिमिट को हटाने के लिए। फिर यहाँ पर जीरो हो गया प्लस 5 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 हो गया, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। और फिर यहाँ पे साइन पाई, तो पाई मीन्स क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो प्लस 5 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आई है। अगर दोनों वैल्यू सेम आई है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की इमेज को भी निकाल देंगे। तो यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक करना है, पाई पे चेक करना है। हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस से पाई रख देंगे, तो एफ पाई इक्वल टू यहाँ पे पाई स्क्वायर हो गया माइनस साइन पाई प्लस 5। तो यहाँ पे ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो प्लस 5, दैट मीन्स पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट के, इक्वल टू फंक्शन की इमेज उस पॉइंट पे। अगर तीनों इक्वल हो गया है दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है यानी इज यानी जो हमारा फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस है, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो यहाँ से हमारी प्रूव हो जाता है कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई पे।